सनसनीखेज खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपराधी बाबा। कहते हैं इंसान में से अगर इंसानियत चली जाए तो उसका क्या ही फायदा, वो दानव बन जाता है दानव। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के भदोही से, जहां पर एक कसाई ने अपने ही भाई और भाभी को मारा और अपने भतीजे के हाथ पांव काट दिए। जी हाँ, ये मैं किसी जानवर की बात नहीं बता रहा हूँ, ये किया है एक इंसान ने, और जिसके पीछे कारण है लालच, वो भी जायदाद का। एक जानकारी के अनुसार पता चला है कि 42 वर्षीय जमील और उसकी 38 वर्षीय वाइफ रूबी, इन दोनों को नौशाद नामक एक कसाई ने काट कर रख दिया। और ये ही नहीं, उसको अपने एक साल के छोटे से भतीजे पर भी तरस नहीं आया, उसके भी हाथ पांव काट दिए। पेशे से कसाई इस नौशाद ने काम भी कसाई वाला ही किया। घटना बीते कल की बताई जा रही है। भदोही के एसपी रामबादन सिंह का कहना है कि नौशाद काजियाना का रहने वाला था, इस समय अपनी मां के साथ फरार है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में कोई विवाद चल रहा था, जिसके बाद अपने मटन काटने वाले हथियार से नौशाद ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल वो और उसकी माँ पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इस घटना के बाद हम यही कहेंगे कि वाकई इस दुनिया से इंसानियत ऐसा लगता है कि खत्म हो गई है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। हमारे चैनल अपराधी बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।